सीएसके और मुंबई इंडियन की टारगेटेड लिस्ट बनाने के बाद आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आरसीबी के बारे में यह वीडियो, जिस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरसीबी इस आईपीएल ऑक्शन में, मेगा ऑक्शन में कौन से ऐसे चार प्लेयर होने वाले हैं जिनको टारगेट कर सकती है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो पर भी उतना ही प्यार दोगे जितना प्यार आपने पिछली दो वीडियो पर दिया है। और दोस्तों गिव अवे की अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, तो प्लीज़ आप कम्युनिटी पोस्ट को एक बार चेक ज़रूर करें। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप जो है वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस गिव अवे का अनाउंसमेंट भी 1500 सब्सक्राइबर के बाद ही होने वाला है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट हर वीडियो में करें, जिससे आपको गिव अवे जीतने के चांसेस प्रबल हो जाए। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऐसे कौन से चार प्लेयर होंगे जिनको आरसीबी की टीम अपनी टीम में रिटेन करना चाहेगी। दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम निकल के आता है विराट कोहली का। इसके बाद दोस्तों हो सकता है एवी डिविलियर्स को यह टीम रिटेन करे और साथ में उनके साथ मिलें ग्लेन मैक्सवेल और एक और हमारे इंडियन प्लेयर, उसमें दोस्तों देवदत्त पाटीकल का नाम शामिल हो सकता है। दोस्तों ये चार रिटेंशन हो सकती हैं आरसीबी की टीम की। अगर ये भी हो सकता है दोस्तों एवी डिविलियर्स को रिटेन ना करके एक बॉलर को रिटेन किया जाए, जहां पर दोस्तों युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज के नाम शामिल हो सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पहला ऐसा प्लेयर जिसको कि आरसीबी की टीम टारगेट कर सकती है इस आईपीएल ऑक्शन में, वह होने वाले हैं दोस्तों जॉर्ज द बॉस बटलर साहब। हमारे बटलर साहब की एक बात क्या खासियत रही है, इस T20 वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म आई है और गई बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ऐसा ही मान लीजिए कि सूरज की तरह, जैसे सूरज हर दिन निकलता है वैसे ही बटलर हर मैच में रन बना रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पिक हो सकती है आरसीबी की टीम के लिए, जहां पर दोस्तों ओपन कर सकते हैं जॉर्ज द बॉस देवदत्त पाटीकल के साथ और नंबर 3 पर ओरिजिनल पोजीशन पर विराट कोहली खेल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे प्लेयर के बारे में हम जानते हैं जिनको आरसीबी की टीम टारगेट कर सकती है। दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर के रिलीज हो जाने के बाद आरसीबी की टीम को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत जरूर पड़ेगी जिनको वो अपनी टीम में शामिल करें। दोस्तों ऐसे में अब्दुल समद का नाम सबसे आगे लेना चाहेगी आरसीबी की टीम। जिस हिसाब कि अब्दुल समद के पास हिटिंग पावर है ऐसी शायद किसी भी स्पिन ऑलराउंडर के पास नहीं है। उन्होंने दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े और रेपुटेशन वाले बॉलरों की भी धुनाई की है, जिस हिसाब से दोस्तों वो वॉशिंगटन सुंदर की जगह ले सकते हैं और एक पार्ट टाइम बॉलर प्लस एक सदे हुए बल्लेबाज फिनिशर के तौर पर आरसीबी की टीम के लिए मैच फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। इस प्लेयर का नाम है दोस्तों मिचेल स्टार्क। दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि आरसीबी जिस भी ओवरसीज प्लेयर को, ओवरसीज फास्ट बॉलर को अपनी टीम में लेती है वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं करता है, चाहे वो काइल जेमिसन हो या फिर टिम साउदी हो या फिर केन रिचर्डसन हो। ऐसे में दोस्तों आरसीबी चाहेगी उनकी 2014 और 15 वाले जो स्टार्क हैं उनको अपनी टीम में वापस लिया जाए और एक अच्छी बॉलिंग यूनिट बनाई जाए, जिसमें दोस्तों अभी उनके पास हर्षल पटेल के तौर पर एक काफ़ी कमाल का बॉलर है, उसके साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज जैसा एक अच्छा उभरता हुआ सितारा भी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों अगर मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर पर ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, अगर ये 10-12 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं तो, क्योंकि दोस्तों इनको ज्यादा बड़े बड़े प्लेयरों की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि दोस्तों इनके पास बैटिंग यूनिट बहुत ही कमाल की है। इसके बाद अगर ये सिर्फ अपनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग यूनिट ओवरसीज जो कि उसको अगर मजबूत करते हैं तो ये काफी अच्छी इनके लिए बात होगी। इसके बाद दोस्तों आखिरी प्लेयर के बारे में बात करते हैं हम, और दोस्तों वो होने वाले हमारे सूर्य कुमार यादव साहब। दोस्तों इनके बारे में एक बात आपको बता दूं कि 30 प्लस हो चुके हैं, मतलब कि इनको मुंबई इंडियन रिटेन नहीं करेगी। मुझे मेरे हिसाब से दोस्तों ईशान किशन को इनकी जगह रिटेन किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो दोस्तों आरसीबी की टीम डेफिनेटली इनको टारगेट करेगी, जिसमें दोस्तों ये इनके मिडिल ऑर्डर को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं एवी डिविलियर्स के साथ मिलकर, जिससे दोस्तों एवी डिविलियर्स और विराट कोहली पर थोड़ी कम जिम्मेदारी महसूस करेगी। और दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में ये आपको एक कैप्टनसी का विकल्प भी बनते हुए देखें आरसीबी की टीम के लिए। दोस्तों यह चार प्लेयर आरसीबी की टीम 100% इनके पीछे जा सकती है। आपको क्या लगता है, इसके अलावा और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको आरसीबी की टीम अपनी टीम में शामिल करना
करना चाहेगी और अपनी टीम में शामिल ऑलमोस्ट कर लेगी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलेगा। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।